हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीना कंडारी आज बच्चों की पसंद बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चे बार बार जिद करते हैं कि बर्गर खाना है, बर्गर खाना है, तो बाज़ार से ही क्यों, घर पर बनाइए झटपट फ्रेश बर्गर। यहाँ पर मैंने एक बन का पैकेट लिया है, इसमें 3 बन रहते हैं। वैसे मैंने ये नॉर्मल वाले बन लिए हैं, बर्गर के लिए अलग से बन आते हैं बड़े वाले, तो मैंने यहाँ पर ये बन्स को बीच से कट कर दिया है। इधर मैंने थोड़ी सी तैयारी कर दी है। 3 आलू लिए हैं मैंने, जो मैंने बॉईल कर दिए हैं। 1 टमाटर लिया है, 1 खीरा लिया है और 1 प्याज लिया है, जो मैंने इस तरीके से काट दिए हैं। आलू को मैंने मैश कर दिया है और इधर कढ़ाई चूल्हे में चढ़ा दी है मैंने। थोड़ा सा इसमें डाला है ऑयल और इसमें थोड़ा सा राई दाना डाल देती हूँ और थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जो पोटैटो मैश किया हुआ था ये डाल दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अलग से एक प्याज कट करके रखा था, ये भी डाल दिया है। प्याज का तो अलग ही फ्लेवर आता है इसमें, तो थोड़ा सा यहाँ पर मसाले डाल देते हैं। नमक डाल दिया है मैंने, थोड़ी सी डाल दिया मैंने यहाँ पर मिक्स मसाले, थोड़ा सा 1 पिंच गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये हो गया है मिक्स। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में सॉस लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉस इस तरीके से लगा दूँगी बन पे, और उसके बाद मैं इसमें रख देती हूँ ये पोटैटो मैश किया हुआ। उसके बाद रख रही हूँ मैं यहाँ पर ये खीरा। सब में मैंने थोड़ा थोड़ा 3-3 पीस खीरे रख दिए हैं। और उसके बाद टमाटर, उसके बाद एक एक स्लाइस मैंने अनियन के रख दिए हैं, और हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला है और हल्का सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। इधर चढ़ा दिया मैंने पैन चूल्हे में, और थोड़ी सी मैंने इसमें घी डाल दिया है, और ये जो मैंने स्टफ़ किया हुआ बन था वो रख दिया है। तीनों मैं एक साथ सेक रही हूँ बर्गर को। ये देखिए, एक तरफ से सिक गए हैं बर्गर, तो मैंने यहाँ पर पलटा दिया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रखा है बर्गर का, बहुत टेस्टी होते हैं ये बर्गर, बच्चों को तो इतने ज़्यादा पसंद होते हैं। झटपट बनाइए घर पर बर्गर। तो मेरे बर्गर अब रेडी हैं खाने के लिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप बन या ब्रेड खरीदोगे तो फ्रेश ही खरीदना। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी आपको मेरी? अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।